इस वायरल खबर की पूरी हकीकत बताएंगे, उससे पहले आपको वायरल हो रही इस खबर का पूरा मजमून भी देखना जरूरी है। भाई बात करें इंडिया में तो सारी दिक्कतें एक तरफ है और यहाँ पे वायरल न्यूज जो होती है, वायरल खबरें, वो भाई एक तरफ, मतलब सारी प्रॉब्लम अकेले और इस वायरल खबर ने अकेले सबके नाक में दम करा हुआ है। क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है इंडिया में सोशल नेटवर्किंग का वो है व्हाट्सएप। सबसे ज्यादा यूजर बेस है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और यहाँ पे इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो मैसेजेस शेयर होते हैं वो होते हैं व्हाट्सएप पे। तो भैया यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। पिछले कुछ दिनों से एक और बड़ी सी दिक्कत आई हुई है व्हाट्सएप पे और वो ये है कि यहाँ पे व्हाट्सएप हो जाएगा बंद और ऐसी वायरल न्यूज हर तरफ फैलाई जा रही है बहुत तेजी से, बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से। अब इसके पीछे पता नहीं कौन से इनोवेटिव लोग हैं, मतलब बिल्कुल दिमाग वाले लोग हैं जिन्होंने ये मैसेज क्रिएट किया और इसको शेयर किया, लेकिन क्या है पहले वो देखते हैं। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब, हाँ 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 देखो अब। तो भाई व्हाट्सएप मैसेज जो है ये वाला कि इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है आपको कि व्हाट्सएप जो है आपका वो बंद हो जाएगा और वो रात को 11:30 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा और इस बीच में आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाओगे। क्योंकि रीजन ये दिया गया है कि व्हाट्सएप पे जो यूजर बेस है, जो लोग हैं, वो काफी ज्यादा इसको यूज करने लगे हैं और ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उसके साथ मेन चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे मोदी जी का नाम जोड़ दिया गया है। अब इंडिया में ऐसा है कि मोदी जी एक ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं जिसके साथ मोदी जी का नाम आ जाता है, लोग उसको सच मान लेते हैं और बिल्कुल यही चीज हो रही है यहाँ पे। अब न्यूज क्या है पहले आप वो देख लो, ठीक है। इस वायरल खबर की पूरी हकीकत बताएंगे, उससे पहले आपको वायरल हो रही इस खबर का पूरा मजमून भी देखना जरूरी है। इस वायरल मैसेज में लिखा है, व्हाट्सएप मैसेंजर रोज रात्रि 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। ये संदेश सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम मोदी द्वारा दिया गया है। ये संदेश सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम मोदी द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगर आपको इस समस्या से बचना है तो आपको ये मैसेज आपके सभी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भेजना होगा। हम जानते हैं कि कल रात से व्हाट्सएप पर वीडियो स्टेटस और फोटो डाउनलोड होना बंद हो गए हैं। व्हाट्सएप पर लगातार इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ गई है और उसका उपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बहुत कमाल की चीज है कि इस पे जो उपयोग है उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। मतलब यहाँ तो वैसे पकड़ में आ रहा है कि फेक मैसेज है जो कि देश के लिए हानिकारक है। अगर आप इस संदेश को अपने सभी कॉन्टेक्ट को नहीं भेजते हो तो आपका व्हाट्सएप इनवैलिड हो जाएगा और आगे 48 घंटों के अंदर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस संदेश को इग्नोर मत करें और जब आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा तो आपको दोबारा इसे चालू कराने के लिए 499 रुपए का चार्ज हर महीने देना होगा और ये आपके अकाउंट से काट दिया जाएगा। ये समस्या जल्द ही ठीक कर दी जाएगी। ये वायरल होने का कारण यह है कि यहाँ पे आ गया है मॉनेटरी टर्म्स, मतलब पैसा, कि इसमें लिखा गया है कि भैया मैसेज अगर आप नहीं भेजोगे किसी को तो यहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप है वो बंद कर दिया जाएगा और उसको बंद करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंद करके दोबारा जब ये चालू किया जाएगा तो यहाँ पे 499 रुपए लगेंगे। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि भैया 499 500 रुपए कोई क्यों देगा। ये सोच के, ये डर से लोग इसको और तेजी से फॉरवर्ड कर रहे हैं, हर जगह फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके साथ देखो एक चीज और बोली गई है कि यहाँ पे जो भैया पैसे हैं वो आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। तो देखो यार, आपकी परमिशन के बिना आपके अकाउंट से कोई 1 रुपए नहीं निकाल सकता, 500 रुपए तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अभी आपको इस समस्या से बचने के लिए कम से कम 50 लोगों को ये मैसेज भेजना होगा। अगर इसमें से 10 लोग भी रिसीव करते हैं तो आपका व्हाट्सएप लोगो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। आपको इसे एक्टिव रखने के लिए 8 लोगों को भेजना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपका शनिवार से व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। अब मेरे पास जो मैसेज आया, जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, एक तो टेक्स्ट मैसेज भी आ चुका है जिसमें पूरी चीज लिखी हुई है। उसके बाद इसको एक्सपोज करने की कोशिश करिए इंडिया टीवी वालों ने, तो इनका ये न्यूज क्लिप आया मेरे पास। लेकिन देखो इसमें भी कमाल की चीज है, न्यूज क्लिप को भी वहीं तक दिखाया गया है कि ये पूरा सच लगे। इसमें इसका बात की बात नहीं बताई गई है कि ये फेक मैसेज है, इसको स्प्रेड किया जा रहा है, आप ऐसा मत करो। मैसेज की बात करें तो यार ये देखो, ये शुरू हुआ कुछ दिन पहले। क्या हुआ था एक्चुअली, फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया था और रात में 3-4 घंटे के लिए व्हाट्सएप के सर्वर भी डाउन हो गए थे और 3-4 घंटे के लिए आप कोई भी फोटो, वीडियो, मैसेज वगैरह डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। अब बिल्कुल उसी टाइम पर ये मैसेज क्रिएट किया गया, फेक मैसेज, और इसको बहुत तेजी से फैलाया गया। अब इस तरीके से मैसेज मतलब पूरे इंडिया में हर जगह लगभग पहुंच गया और यहाँ पे लोगों ने मतलब तबाही मचा दी इस मैसेज को लेके। सारी बात ये है कि यहाँ पे जो बोला गया वो सब कुछ बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटा सा बग आया था फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, वो उसी दिन ठीक कर दिया गया था, लेकिन भैया मैसेज अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये तब से लेके अब तक और अब पता नहीं कितने सालों तक ऐसे जाता जाएगा जब तक कि हर मोबाइल फोन में ना पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है ये जाएगा, लेकिन आप इसको रोक सकते हो। आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं कि ये फेक मैसेज है और इसको पकड़ना है। ऐसे और भी बहुत सारे मैसेज आएंगे, ऐसे फेक मैसेज आएंगे, तो आपको ये समझना होगा कि यार ये फेक मैसेज है, इसको आगे मत फैलाओ क्योंकि अल्टीमेटली ये डैमेज करती है हर चीज को।
तो सारी बात यह है कि पूरा मिला जुला के जो बड़ा सा गेम और बड़ा सा स्कैम फैला हुआ है इंडिया में, इसको आपको रोकना है। तो इस मैसेज को फॉरवर्ड करो, फेक वाले को तो फॉरवर्ड कर ही दिया, इसको फॉरवर्ड करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए और इस मैसेज को फॉरवर्ड होने से रोक पाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चीज को जल्दी से रोको, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। इस वीडियो को करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।